ठोक प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जून दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जाने क्या है महत्व। मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए सुनहरा मौका। मैट्रिक परीक्षा 2024 के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार की डेट बढ़ी। भीषण गर्मी एवं लू से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका। अनचाहे कॉल से अभी 6 महीने के लिए नहीं मिलेगी राहत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में अप्रेंटिस के 772 पदों पर भर्ती। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस के कुल 772 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी जिस संबंधित पोस्ट से आवेदन कर रहे हैं उससे डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए sector.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जाने क्या है महत्व। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 से हुई, जिसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए। पहला 35,985 लोगों के लिए एक ही स्थान पर एक योग सत्र में भाग लेने के लिए और दूसरा योग सत्र 2015 में भाग लेने वाले अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लिए। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रस्तावित किया था और सुझाव दिया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसके बाद 21 जून वर्ष 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बता दें कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज के दिन का महत्व यह है कि दुनिया भर के लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही योग के प्रति उनकी जागरूकता को भी बढ़ाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यानी कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखा गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनय पाठक के बारे में। विनय पाठक एक भारतीय रंगमंच और फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने खोसला का घोसला, भेजा फ्राई, आइलैंड सिटी और जॉनी गद्दार सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है और जश्न, रब ने बना दी जोड़ी और माय नेम इज खान जैसे फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने अच्छे दोस्त रणवीर सौरी के साथ ओए सो की एंकरिंग की और साथ ही उन्होंने टॉक शो रणवीर विनय और कौन के साथ साथ हाउस अरेस्ट, दुनिया गोल है और क्रिकेट क्रेजी की मेजबानी की। उन्होंने गैग आधारित शो द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो का हिस्सा बनने के लिए अपने दोस्तों रणवीर, सुरेश मेनन और गौरव गेरा के साथ मिलकर काम किया। विनय पाठक ने जॉनी गद्दार, आजा नचले, खोया खोया चांद और रब ने बना दी जोड़ी जैसे फिल्मों में काम किया है। बिहार में शराब कारोबार पर नजर रखेगा प्रोडक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो। बिहार के जिलों में शराब के उपयोग और व्यापार पर नजर रखा जा सके, इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से सभी 9 प्रमंडल में उत्पाद इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बारे में विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्यालय उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में खोले जाएंगे, जिसके हर कार्यालय में 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 10 ASI, 2 निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक और 3 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यालय शराब से जुड़ी गुप्त सूचना को इकट्ठा करने का काम करेगी। वह इस कार्यालय में जितने भी लोग तैनात होंगे वे सभी सादे वेश में होंगे और वैसे ही काम करेंगे और इनको विभाग के दूसरे कार्यों से अलग रखा जाएगा। मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी किसान हैं और मशरूम की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है कि जिसके तहत यह बताया गया है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत मशरूम स्पॉन तथा मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए 20 लाख की लागत पर सरकार की ओर से किसानों को 50% का अनुदान मिलेगा। बता दें कि जारी किए गए इस जानकारी के अनुसार वैसे किसान जो इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं वे अपने प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद यहां रहेंगे मनोज वाजपेयी।
बिहार के लाल और बॉलीवुड के स्टार मनोज बाजपेयी के द्वारा कर्ली टेस्ट के इंटरव्यू में अपनी पसंद नापसंद से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बताया गया कि वह रिटायरमेंट के बाद कहां रहना पसंद करेंगे। बता दें कि उन्होंने बताया कि वह रिटायरमेंट के बाद मुंबई से दूर पहाड़ों पर रहना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में एक छोटी सी जगह कहीं पर ली है, एक छोटा सा घर बनाऊं, कोई हवेली नहीं, मैं अपना बुढ़ापा यहां मुंबई में नहीं गुजारना चाहूंगा। मुंबई मेरी बेटी के लिए रहने के लिए जगह होगी, मेरे लिए नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें मुंबई और दिल्ली में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, वह अपनी छुट्टियां कहां बिताना पसंद करते हैं। मालूम हो कि मनोज वाजपेयी ने अपने एक्टिंग के हुनर से सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है और उन्होंने अपना हुनर न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया है। से गुजरने वाली ये 6 ट्रेनें रहेंगी रद्द। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाराणसी मंडल के औरिहार के पास नॉन इंटरलॉकिंग और औरिहार भटनी रेलखंड पर औरिहार सादात स्टेशनों के मध्य पैच डबलिंग के कार्य को लेकर पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन भी कर दिया गया है। बता दें कि जिन 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 21 जून को 15551 दरभंगा वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, 22 जून को 15552 वाराणसी सिटी दरभंगा एक्सप्रेस और 14008 आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस, 23 जून को 14007 रक्सौल आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस, 26 जून को 12538 प्रयागराज रामबाग मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और 12537 मुजफ्फरपुर प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस शामिल है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे विष्णुपद मंदिर के बारे में। विष्णुपद मंदिर गया जिले में मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सभी मंडप में 44 पिलर है। इस मंदिर की भव्यता और वैभव अद्भुत है। जैसा कि नाम से पता चलता है, विष्णुपद मंदिर 40 सेंटीमीटर लंबे पदचिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें संकम, चक्रम और गद्धम सहित 9 प्रतीक है। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक है, जिसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। एक ठोस चट्टान पर उत्कीर्ण है और चांदी के धातु से सुसज्जित है। इन पदचिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। इस पर गदा, चक्र, शंख आदि अंकित किए जाते हैं। यह परंपरा भी काफी पुरानी बताई जाती है, जो कि मंदिर में अनेक वर्षों से की जा रही है। इस मंदिर का अष्टकोणीय आकार इस मंदिर की भव्यता को बेहद आकर्षित बनाता है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। इस मंदिर परिसर के अंदर ही कुछ और छोटे मंदिर भी हैं, जो भगवान नरसिंह को और भगवान शिव के अवतार फल्गीश्वर को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। मैट्रिक परीक्षा 2024 के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार की डेट बढ़ी। अगर आप भी वर्ष 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जारी किए गए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में हुई गलती को सुधारने के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो अपने मैट्रिक परीक्षा 2024 के डमी रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि को सुधारना चाहते हैं, वे इसके लिए 26 जून 2023 तक संबंधित विद्यालय के प्रधान के द्वारा आवेदन करवा सकते हैं। मालूम हो कि अब 26 जून 2023 तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर त्रुटि सुधार के लिए अपलोड है। अगवानी गंगा घाट पुल ध्वस्त होने के मामले पर पटना हाई कोर्ट आज करेगी सुनवाई। आज यानी कि 21 जून को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा अगवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता मणिभूषण सिंगर व ललन कुमार की ओर से की गई याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। इससे पूर्व जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने ग्रीष्मावकाश के दौरान ललन कुमार की याचिका पर सुनवाई की थी। उन्होंने गंगा नदी पर बन रहे खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के निर्माणाधीन 4-लेन पुल के ध्वस्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण करने वाली कंपनी के MD को 21 जून 2023 को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साथ ही पुल निर्माता कंपनी को विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें कंपनी को पुल की पूरी लंबाई, DPR, मिट्टी की गुणवत्ता आदि का विवरण देने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने 21 जून 2023 को उपयुक्त बेंच में प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया था। भीषण गर्मी एवं लू से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका। बिहार में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और श्रम संसाधन विभाग की ओर से लू एवं गर्मी के लक्षण और उससे श्रमिकों को बचाने को लेकर आवश्यक सूचना जारी की गई है।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि लू लगने के लक्षण क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत लू लगने पर गर्म, लाल और सूखी त्वचा, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, जीभ मचलाना और उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी एवं सर का हल्कापन, तेज सरदर्द, तेज धड़कन व सांसें तेज होना और मांसपेशियों में कमजोरी या ऐठन महसूस करना है। ऐसे में आपातकाल स्थिति में लोग निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 102 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है। वहीं श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी सूचना में निर्माण स्थल या कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को लू से बचाने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी है, जिसके तहत पर्याप्त मात्रा में शुद्ध शीतल पेयजल की उपलब्धता, श्रमिकों एवं उनके बच्चों के विश्राम के लिए पर्याप्त सेट की व्यवस्था, श्रमिकों के लिए टोपी एवं जूते की व्यवस्था, लू से बचने के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, तेज धूप से बचने के लिए श्रमिकों के कार्य के घंटों में लचीलापन, कार्यवधि के दौरान विश्राम हेतु उपयुक्त समयांतराल की व्यवस्था पर और कार्य के दौरान कोई भी मजदूर खाली पेट न रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बिहार के अस्पतालों में निम्न वर्ग के 967 लिपिकों की होगी बहाली। बिहार के वैसे सरकारी अस्पताल जो लिपिकों की कमी से जूझ रहे हैं, जल्द ही उनकी यह परेशानी खत्म होने वाली है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से 967 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके लिए विभाग की ओर से सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अधियाचना भी भेज दी गई है। मालूम हो कि पहली बार होगा जब बिहार में इतने बड़ी संख्या पर अस्पतालों के लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं अगर राज्य में इन पदों पर नियुक्ति हो जाती है तो अस्पतालों और विभाग में 85% पदों पर लिपिक उपलब्ध हो जाएंगे। बता दें कि विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लिपिकों का राज्य संवर्ग बनने को लेकर नई नियमावली भी तैयार की जा रही है, जिसके बाद वर्षों से एक ही जगह जमे कार्यरत लिपिक दूसरे जिलों में तबादला ले सकेंगे। डॉक्टर शकील अहमद खान को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान को प्रगतिशील कार्यों के लिए सदन में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। बता दें कि सम्मेलन में देश के सर्वश्रेष्ठ 75 विधायकों को सम्मानित किया गया है, जिनमें एक डॉक्टर शकील अहमद खान का भी नाम शामिल है। मालूम हो कि डॉक्टर शकील अहमद खान की छवि कटिहार समेत पूरे देश भर में स्वच्छ नेता के रूप में ही रही है। डॉक्टर शकील अहमद खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किए जाने पर उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा, कृपानाथ पाठक, अवधेश कुमार, प्रेमचंद्र मिश्रा, राजेश राठौर, असित नाथ तिवारी, आनंद शंकर और सत्येंद्र बहादुर के द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग का पहल। बिहार में जनसंख्या स्थिरीकरण को सच किया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत अब विभाग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योग्य दंपतियों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। बता दें कि इसके लिए पखवाड़ा के माध्यम से समुदाय के बीच परिवार नियोजन संबंधित एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 27 जून से होने वाली है और जो 31 जुलाई तक चलेगी। मालूम हो कि इस दौरान 27 जून से 10 जुलाई तक दंपति संपर्क पखवाड़ा और 11 जुलाई से 31 जुलाई तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में परिवार नियोजन कार्यक्रम के उपनिदेशक निशांत कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बेहतर प्रबंधन व सफल आयोजन के लिए अन्य विभागों से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। वहीं इसमें आशा, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी और विकास मित्र भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बिहार के इन जिलों में भारी बारिश के आसार। प्रदेश में जिस तरह से लोग लू और तेज गर्मी की मार झेल रहे हैं, उससे अब लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश के बाद से तापमान में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, अधिकतम तापमान में भी कमी देखने को मिली है। पिछले दिनों जिस तरह से हीट स्ट्रोक जैसे हालात थे, हालांकि अब मौसम में नरमी की बात कही जा रही है। अब इधर मौसम विभाग ने 24 जून तक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके कारण पूर्वी तथा पश्चिमी हवा का सम्मिश्रण होने के से तीव्र वज्रपात और आंधी तूफान जैसे हालात रहने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर रहने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में एक से दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अनचाहे कॉल से अभी 6 महीने के लिए नहीं मिलेगी राहत।
कई बार हमें अनचाहे कॉल्स का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इन कॉल्स की संख्या इतनी होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा कई अनचाहे कॉल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान ट्रू कॉलर के द्वारा भी नहीं की जाती। ऐसे में आपको अभी इन अनचाहे कॉल्स से अगले 6 महीने तक राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों की ओर से सरकार से अनचाहे कॉल्स को खत्म करने की मोहलत की मांग की गई थी, जिसे सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अब कंपनियों को 30 नवंबर तक का मोहलत दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनचाहे कॉल से लोगों की परेशानी को देखते हुए ट्राई के द्वारा कंपनियों को AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहा था, क्योंकि ट्राई का मानना था कि ऐसा करने से लोगों को अनचाहे कॉल से मुक्ति मिल जाएगी। विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश खिलाएंगे अपनी खास मिठाई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने वाले मेहमानों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खास मिठाई खिलाया जाने वाला है। दरअसल मेहमानों के लिए नालंदा जिले के सलाऊ खाजा का और लिट्टी चोखा की व्यवस्था की गई है। वहीं मेहमानों के रहने और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि इन सबके बीच CM नीतीश के द्वारा मेहमानों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जिस दिन बैठक होगी उस दिन कई तरह के बिहारी व्यंजनों को परोसा जाएगा। इसके साथ ही बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, धरड़ुआ का लाई और मनीर का लड्डू भी मेहमानों को परोसा जाएगा। इसके अलावा गर्मी की वजह से छाछ, नारियल पानी और अलग अलग पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई है। वहीं स्टार्टर में साउथ इंडियन और पंजाब के कुछ आइटम को रखा गया है। हम पार्टी के SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने थामा JDU का हाथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे ध्रुव लाल मांझी के द्वारा बीते दिन मंगलवार को JDU के पार्टी मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ JDU की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं इस दौरान JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि JDU परिवार में नए सदस्य का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ध्रुव लाल मांझी लगातार काम करते आ रहे हैं और अब वह JDU के साथ मिलकर पार्टी और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने का काम करेंगे। इनका JDU में शामिल होना CM नीतीश के प्रति इनके विश्वास को दिखाता है। नीतीश का तमिलनाडु दौरा रद्द होने पर BJP का तंज। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जाने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उन्होंने अपना यह दौरा रद्द कर दिया था। वहीं अब इस पर BJP की ओर से CM नीतीश को लेकर तंज कसा जा रहा। दरअसल बिहार BJP प्रवक्ता के द्वारा CM नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु नहीं गए, यह अचरज की बात है। लगता है कि उन्हें अपने निजी कारणों से दौरा रद्द करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इस मीटिंग से महागठबंधन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि CM नीतीश का PM बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने के पाकिस्तान की मांग को भारत ने ठुकराया। वनडे वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की ओर से यह मांग की जा रही थी कि चेन्नई की पिच अक्सर स्पिनरों के पक्ष में रहती है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम के लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बेहतरीन स्पिन आक्रमण है। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा अनुरोध किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ उनके मैच क्रमशः चेन्नई और बेंगलुरु में स्थानांतरित कर दिए जाए, लेकिन अब उनकी इस मांग को BCCI के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस बात की जानकारी क्रिकेट पाकिस्तान की ओर से PTI के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI का अपना ड्राफ्ट शेड्यूल में बदलाव का कोई इरादा नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वर्ल्ड कप मैचों में वेन्यू के बदलाव के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुलतान सेना ने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप सिंह को परास्त कर दिया। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकस एन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय 1862 में बने। सी राजगोपालाचारी 1948 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई। PV नरसिम्हा राव ने 1991 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए 1998 में भारत और रूस $2.5 अरब के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मनमोहन सिंह 1999 में भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 2009 में सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 2015 को दुनिया भर में मनाया गया। आज के दिन को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वेलकम। आज हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय यूजर्स को 239 रुपए का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा यह फ्री रिचार्ज योजना नहीं चलाई जा रही, यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है। इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल फीचर ऐसे करें क्रिएट। अगर आप इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल फीचर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस पर इंस्टाग्राम को ओपन करें। फीड के ऊपर दाई तरफ सेंड या मैसेंजर पर टैप करें। अब ऊपर दाई ओर टैप करें, ब्रॉडकास्ट चैनल बनाएं पर टैप करें। यहां चैनल का नाम दे सकते हैं। इसके बाद अपने चैनल के लिए ऑडियंस चुनें। यह भी सेलेक्ट करें कि आपका चैनल कब एंड होगा। अपने चैनल को अपनी प्रोफाइल पर दिखाने के लिए चुनें और फिर सबसे नीचे ब्रॉडकास्ट चैनल बनाएं पर टैप करें। मालूम हो कि फीचर अपने यूजर्स को और क्रिएटर्स को अपने फॉलोअर्स को मैसेज भेजने के लिए पावरफुल टूल प्रदान करता है। ट्रक चालकों को लेकर चिंता जताते हुए नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रक चालकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक ट्रक चालक दल के लिए एसी कंपार्टमेंट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं जो ट्रक चालक कंपार्टमेंट में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करती है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारे ट्रक चालक 43.47 डिग्री के कठोर तापमान में वाहन चलाते हैं और हमें उनकी स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। मैं मंत्री बनने के बाद एसी के बिल पेश करने की इच्छुक था लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में थे और कहा था कि ट्रकों की लागत बढ़ जाएगी, लेकिन आज मैंने इससे जुड़े फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के 80,000 लाभार्थियों पर दर्ज होगा केस। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के 80,000 ऐसे लाभार्थी जिन्होंने आवास निर्माण के लिए सरकार से दूसरी किस्त तो ले ली है लेकिन बीते 3 महीने में किसी तरह का काम नहीं करवाया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एन सरवन के द्वारा राज्य के सभी DDC के साथ मनरेगा योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की गई, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि पूरे राज्य में 1.34 लाख प्रधानमंत्री आवास लंबित है। इस पर सचिव के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 अगस्त से पहले सभी अधूरे आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि इस दौरान सचिव के द्वारा सभी अधिकारियों को राज्य में प्रतिदिन 1500 प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। बीते दिन मदर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवी मांझी, उमेश ऋषिदेव, विनय राज, तबरेज आलम, सोनी महिमा, नरेश राम, बद्री कुमार, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, उपेंद्र आम्बेडकर, सदुल्लाह पलवी, अतीक खान, जूही सिंह, घनश्याम, प्रियंका कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस तरह से मना रहे हैं? आप न जाओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।